पहले तो क्वेश्चन ही समझने की कोशिश करिए। आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। यहीं तक पढ़ो। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास एक वर्ड है अगेन, उसमें लेटर्स हैं ए ए जी आई एन। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इनको अरेंज करूँ और इनको अरेंज करके वर्ड्स बनाओ। बताओ टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे जी बेटे? अगर मैं इनको अरेंज करूं बेटे तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? क्या बताया बेटे आपने? 5 factorial upon 2 factorial। यस, टोटल अरेंजमेंट हो गया 5, बट इसमें 2a सेम है तो 2 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर 5 फैक्टोरियल होता है बेटे 120 और 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 120 upon 2 हो गया बेटे 60। तो इसका मतलब आपके पास जो वर्ड्स बनेंगे ठीक है वो 60 वर्ड्स बनेंगे। यहां तक बात सही है। अब आपसे कह रहा है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन ए डिक्शनरी। अब बताओ अगर हम इन 60 वर्ड्स को डिक्शनरी में प्लेस करें ठीक है, आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द 50th वर्ड। 50 कह सकता है, 40 कह सकता है, 30 कह सकता है, कोई सी भी पोजीशन, मतलब 60 वर्ड्स हैं तो कोई सी भी पोजीशन दे सकता है और आपसे पूछ सकता है बताओ कि 50, 30, 40 वर्ड कौन सा होगा। तो चलो अब यहां से शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ अगर हम इन 60 वर्ड्स को डिक्शनरी में रखें तो डिक्शनरी में रखने का तरीका क्या होता है बेटे? तो मतलब वो फर्स्ट लेटर पहले जी फर्स्ट वर्ड जैसे ए पहले फिर बी फिर सी फिर डी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वर्ड्स, अगर डिक्शनरी में हम बात करें वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें ए बी सी डी तो यहाँ तो सिर्फ हमारे पास पहले ए आएगा अल्फाबेटिकली, फिर ए के बाद कौन आएगा, फिर जी आएगा, जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनेंगे, फिर जी के बाद कौन से वर्ड्स बनेंगे, फिर आई वाले बनेंगे, फिर कौन से बनेंगे, फिर एन वाले बनेंगे, ठीक है ना, इस तरह से बनेंगे। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ए से कितने वर्ड्स स्टार्ट हो रहे होंगे? आपके पास कितने लेटर्स हैं? अगेन में लेटर्स कितने हैं? 5 हैं। पहला वाला कौन सा होगा? ए। ए होगा, तो उसके लिए कितने ऑप्शन हो गए? 1P1 कहिए या 1 कहिए, बाकी आपने मान लीजिए अब एक को यूज कर लिया ए को, तो बाकी कितने बचे? 4 और प्लेस भी कितने हमारे पास? 4 तो बाकी के लिए क्या ऑप्शन हुआ? 4P4 4P4 होता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, पहले के लिए 1P1, दूसरे के लिए 4P4, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1 कितने? 24, ठीक है, आपके पास 24 वर्ड्स बन चुके ए से। लेकिन बच्चे आपको क्वेश्चन चाहिए 50th वर्ड, कौन सा वर्ड चाहिए? 50th वर्ड तो अभी नहीं आया, अभी तो कितने वर्ड बने? 24। अब अगर आपने ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड देख लिए ठीक है, तो अब आपके पास ए के बाद किसका ऑर्डर आएगा डिक्शनरी में? जी का। जी का, तो मैं यहाँ लिख दूं वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। बच्चे फिर क्या होगा, आपके पास अभी भी 5 ऑप्शन है, अगर 5 ऑप्शन है तो पहले पे तो जी आ गया तो उसके लिए तो 1 ऑप्शन, बाकी के लिए क्या ऑप्शन? 4 factorial upon 2 factorial। लेकिन उसमें 2 ए सेम हो जाएंगे, यस और नो? सब बच्चे बताओ। यस सर। पहले वाले में तो ए यूज हो गया था तो एक ही ए रह गया था, लेकिन अब जी यूज हुआ है तो 2 ए रह गए, तो 24/2 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। तो अब कितने वर्ड बन चुके हैं हमारे टोटल? 24 पहले बने थे, 12 अब बन गए, 36। देखो अब अगर मुझे 30th वर्ड निकालना होता तो वो यहाँ आता जी के अंदर, अभी ढूंढेंगे 30th वर्ड जो आएगा वो जी के अंदर आएगा कि जी से स्टार्ट हो रहा होगा, तो फिर जी के स्टार्ट में वाले में ब्रेक करना शुरू करेंगे, अभी देखेंगे किस तरह से ब्रेक करते हैं। लेकिन मुझे चाहिए 50th, तो 50th जी से भी आगे जाओ, अब जी के बाद किसका नंबर है? आई। आई का, तो आप क्या करोगे वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई,
तो पहला वर्ड तो बेटे आई हो गया, बाकी चार पे कोई भी चला जाएगा तो फोर फैक्टोरियल, लेकिन उसमें फिर दो ए सेम है, तो कितना आ गया 12, तो 24 प्लस 12 प्लस 12 कितना हो गया भाई 48. आपको वर्ड चाहिए 50, तो 48 के बाद 49th वर्ड और 49th के बाद 50th वर्ड, तो दो वर्ड रह गए, तो दो वर्ड का हम सीक्वेंस देख सकते हैं. अच्छा बताओ कौन कौन से वर्ड्स हमारे हो चुके, ए से स्टार्ट होने वाले हो चुके, जी से स्टार्ट होने वाले हो चुके, आई से होने वाले हो चुके, तो ए जी आई से 48 वर्ड बन चुके हैं. तो इसका मतलब 50th वर्ड जो होगा वो किससे बन रहा होगा, एन से बन रहा होगा. कोई बच्चा मुझे बताएगा 49th वर्ड क्या बना सकते हो, ए ए जी आई एन को अरेंज करके 49th वर्ड क्या बनेगा, कोई बता सकता है मुझे? N-A-A. पहले तो N आएगा, पहले तो क्या आएगा N, फिर रिमेनिंग में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएगा. तो सबसे पहले आएगा A, फिर दूसरा वाला A, फिर G, फिर I. Yes or no? Yes, sir. तो ये हो गया 49th. अब मुझे बताओ 50th वर्ड क्या होगा. ठीक है, अगर आपको 50 देखना है तो बेटे लास्ट वालों को इंटरचेंज करना है. किसको चेंज करना है? N A A तो रह गई. अभी आप ये समझो N double A के बाद G से स्टार्ट होने वाले लिए थे, तो जब G वाले खत्म हो जाएंगे तो I से स्टार्ट होने वाले लेंगे, तो I से स्टार्ट होने का मतलब I G. तो ये हमारा 50th वर्ड होगा, ये हमारा आंसर होगा. कुछ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया. दोबारा से देखो, फिर हम 30th वर्ड ढूंढते हैं. हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं, उसमें दो ए सेम है, उन 5 लेटर से 60 वर्ड्स बन रहे हैं, हमें 50th वर्ड चाहिए. तो हमने उसे ब्रेक करना शुरू किया कि ए से कितने बनेंगे, जी से कितने बनेंगे, आई से कितने बनेंगे. तो ए जी आई से 48 बन गए. तो अब हमें चाहिए 49th और 50. तो 49th होगा एन से स्टार्ट होने वाला, अल्फाबेटिकली ए ए जी आई, या ये कहिए कि एन ए से स्टार्ट होने वाले, एन डबल ए से स्टार्ट होने वाले, फिर एन डबल ए जी से स्टार्ट होने वाले, तो लास्ट आ जाएगा आई. तो जब जी वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो आई वाला आएगा. अगर आई वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, ध्यान से देख लो, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 51 वर्ड बताओ, 51 वर्ड क्या होगा, कोई बता सकता है? N A G A I. N A G A. Wonderful. ये बेटे 49th वर्ड का ऑर्डर ये वाला बिल्कुल एक्यूरेट है. ठीक है, इसके अलावा इन डिक्शनरी में हम इसके अलावा नहीं रखते. अब हम क्या करेंगे, हमने पहले इस वाले को चेंज करना है, लास्ट वाले को. जब इसके लिए ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो फिर इसको चेंज करना है, फिर जब इसके लिए भी चेंज खत्म हो जाएगा फिर इसको चेंज करना है, फिर इसके लिए भी आ जाएगा तो फिर इसको. मतलब पहले हमने करा कि आई पे एंड होने वाले, अब हमने आई के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो आई वाला फिनिश हो चुका. अब हम कौन सा ऑप्शन करेंगे, जी वाले पे. अच्छा भाई जी से स्टार्ट होने वाले तो आ गए, अब जी के बाद आई से स्टार्ट होने वाले बताओ. जब जी और आई से स्टार्ट होने वाले आ जाएंगे फिर ए को करेंगे, कि अभी तो हम क्या कर रहे थे एन ए ए से स्टार्ट होने वाले, फिर हम करेंगे एन ए जी से स्टार्ट होने वाले, फिर हम करेंगे एन ए आई से स्टार्ट होने वाले. समझ में आ रहा है? और जब ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा फिर हम यहाँ आएंगे सेकंड वाले लेटर पे, तो एन ए से स्टार्ट होने वाले, फिर एन जी से स्टार्ट होने वाले, फिर एन आई से. तो इस तरह से वापस आते हैं. तो खैर चलो, अब हम कह रहे हैं 30th वर्ड ढूंढो. 30th, सब बच्चे जरा ध्यान से, हमारे पास कितने वर्ड बन चुके हैं यहाँ ए से? 24. और जी से कितने बनेंगे? 12. तो इसी के अंदर 30 होगा. तो अब जी से देखो मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ. जी तो आ ही गया, जी ए से स्टार्ट होने वाले बताओ. एक से तो बन रहे, जी से स्टार्ट होने वाले तो बन रहे हैं 12. मैं कह रहा हूँ नहीं, जी ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे, दो लेटर से ढूंढ लेते हैं. तो अगर जी ए से स्टार्ट होने वाले की बात करेंगे तो आगे बचे 3, तो 3 factorial upon 2 factorial. यस और नो? Yes, टू नहीं आएगा, सॉरी गलत लिख दिया, 3 factorial, क्योंकि एक एक को तो ले चुके, तो 3 factorial आ जाएगा. तो 3 factorial का मतलब क्या है, 6. तो 24 प्लस 6 30 यही हो जाएगा. तो इसका मतलब जो हमारा 30th वर्ड है वो जी ए से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, समझ में आया नहीं आया? हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं बेटे, जी और ए को हमने यूज कर लिया, तो जी ए को यूज कर लिया, तो ए आई एन बचाना,
तो तीन लेटर बचे तो उसके अरेंजमेंट कितने होंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। नहीं आ रहा, दोबारा से देखो। हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास हैं ए ए जी आई एन, और हमारे जो 12 बनेंगे वो जी से स्टार्ट होने वाले बनेंगे। तो जी से स्टार्ट होने वाले 12 लेटर्स हैं, 12 वर्ड हैं। तो अब 12 नहीं गिनने, हमें तो सिर्फ 6 चाहिए। तो अब हम यहाँ और अभी एक ही पोजीशन हमने फिक्स करी है। अब हम पोजीशन क्या करते हैं कि नहीं जी से भी हो और जी के आगे एक पोजिशन और लेते हैं कि जी ए से स्टार्ट होने वाले। तो अगर आपने जी और ए को ले लिया तो आपके पास लेटर्स कितने बचे? थ्री। तो इसका मतलब आपके पास तीन प्लेस रह गए। इन तीन प्लेस पे हो जाएगा 3 factorial। 3 factorial होता है 6, तो 24 + 6 = 30। तो इसका मतलब जो 30th वर्ड होगा वो जी ए से स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन अभी भी नहीं पता चल रहा। माइनस थ्री का सक्सेसर आगे जाना है पीछे जाना है? सक्सेसर का मतलब आगे जाना है, तो माइनस टू होगा, बढ़ना है। तो सक्सेसर का मतलब प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन इज यस। और प्रीडिसेसर का मतलब वापस जाना है, माइनस वन, तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर जी। तो आपके पास क्या है? 3 factorial 6। या तो आप ये 6 के 6 लिख दो, और अगर 6 के 6 नहीं लिखने तो बेटे इसमें से एक पोजीशन और बढ़ाओ। अभी आपने क्या कहा था? जी और ए से स्टार्ट होने वाले। कोई बच्चा मुझे बताएगा जी ए से आगे अगर मुझे एक और लेटर लिखना हो तो किससे स्टार्ट होने वाला देखूं? ए। ए, यस, जी डबल ए से स्टार्ट होने वाले। तो जी डबल ए से स्टार्ट होने वाले लेटर्स बनेंगे 2, तो यानी कि 2। ठीक है, अब मैं देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा हूँ। जी ए, जी हो गया, ए हो गया, डबल ए आ चुका, तो जी ए आई से स्टार्ट होने वाले। किससे स्टार्ट होने वाले? आई से। जी ए आई से। जी आई से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे? 2। तो 24 वो और 4 ये कितने हो गए? 28। अब आप बताओ क्या होगा? जी ए एन से स्टार्ट होने वाले, तो जी ए एन से स्टार्ट होने वाले भी 2 होंगे, तो एक 29 एक 30। तो बताओ जी ए एन नेक्स्ट लेटर क्या आना चाहिए? ए, फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए? आई। तो ये हमारा कौन सा वर्ड है? 29th वर्ड। बताओ बेटे 30 क्या होगा? GANIA। यस, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? यस। तो अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस तो ये हो गए कि 30 या 50 है। इसमें एक क्वेश्चन क्या होता है बेटे, जैसे अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है बच्चे के, हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ड है मोहन। ठीक है बेटे, मोहन, हम इसको अरेंज करें तो यहाँ टोटल वर्ड्स बनेंगे 5 factorial। 5 factorial का मतलब 120। ठीक है, तो एक तो हमसे अभी क्वेश्चन कह रहा था बताओ 50th वर्ड बताओ, 60th बताओ। आपसे क्या कह रहा? नहीं, मोहन की पोजीशन बताओ। क्या बताओ? मोहन की पोजीशन। ठीक है, हाँ भाई, सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? कि भाई हमारे पास टोटल वर्ड्स तो 120 बन रहे हैं, तो मोहन भी तो डिक्शनरी में आएगा, तो मोहन की खुद की पोजीशन क्या होगी? तो मोहन की पोजीशन कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे, पहले देखेंगे ए से स्टार्ट होने वाले, किससे स्टार्ट होने वाले? ए से स्टार्ट होने वाले कितने हो गए? ठीक है जी, ए के बाद किसका नंबर है? एच। एच से भी कितने हो गए? 24। फिर एच के बाद कौन आया भाई? ए एच एम ई बचेगा, एम एन ओ, एम से स्टार्ट होने वाले। तो अब एम से स्टार्ट होने वाले भी 24 होंगे, तो 24 24 24 72 के अंदर आना है मोहन। लेकिन अब प्लीज ध्यान से देखो, मुझे चाहिए मोहन, तो मोहन एम और आगे कौन सा वर्ड आना है? ओ। तो अब ये ओ नहीं आया, डिक्शनरी में क्या होगा बेटे पहले? अब एम वाले को ब्रेक करते हैं, पहले एम ए वाले ढूंढते हैं। तो एम ए वाले कितने होंगे बच्चे? 3 factorial का मतलब 6। एम ए के बाद किसका नंबर आएगा बेटे? ये मेरे पास था, तो मैंने क्या किया, मैंने एम
एम ए वाले ले लिए, एम एच वाले ले लिए, अब क्या आएगा, एम एन वाले आएगा, किसका आएगा, एम एन, तो एम एन वाले भी कितने होंगे, ठीक है, अब आएगा एम ओ, अब आपको क्या करना है, एम ओ एच ए एन आना है मोहन में, लेकिन एम ओ के आगे अगर डिक्शनरी में रखू तो पहले फिर कौन आएगा, एम ओ ए वाले, तो एम ओ ए वाले कितने होंगे, समझ में आ रहा है, ए के बाद अब आएगा एच, तो एम ओ एच आ गया बेटे, अब बचे कौन कौन, लेटर्स कौन से बचे, ए और एन, तो बाद में ए ही आना है ना इसके बाद डिक्शनरी में, और फिर कौन आना, एन, तो ए की वर्ड आया, आ गया समझ में, तो अब बताओ कितने वर्ड्स बने, तो हमारे पास कितने वर्ड्स बन गए, मोहन तक आते आते 24, ये 24, ये और 6, ये 30 और 6, ये 60 45. और 66, 68, 69, कितने हो गए, 69th वर्ड, सबको समझ में आया, नहीं आया, yes, 69th पोजीशन पे मोहन होगा. तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो कोशिश कर लीजिएगा इनको करने की, अपनी पूरी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जरूर कर लेना.